हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष किचन क्विक रेसिपीज। आज मैं बनाने जा रहा हूँ मीट लोफ। असल में मेरी मीट लोफ नहीं, चिकन लोफ है। यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च बारीक काट लिया है, आप देख सकते हैं, और दो पीस ब्रेड का स्लाइस लिया है मैंने। इसका साइड कॉर्नर काट देंगे जो कड़क होती है, इस तरह से छोटे पीस कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें मैंने 1/4 कप दूध डाला है और इसमें हम ब्रेड को भिगोएंगे। देख सकते हो इस तरह से भिगोना है इसको। थोड़ी देर चम्मच से इस तरह से हिलाइए, इसको बिल्कुल भीग जाएगा। और फिर इसमें मिलाएंगे हम 1/2 किलो चिकन कीमा। यह 1/2 किलो चिकन कीमा का रेसिपी है, देख सकते हैं। इसमें आप मटन कीमा भी मिला सकते हैं चिकन की जगह पे। अब इसमें हम सारे सॉसेज डालेंगे। देखिए प्याज डाल दिया मैंने इसमें, हरी मिर्च डालना है एक बारीक कटी हुई। इस तरह से इसको सारे मिलाने हैं। इसमें दो टेबल स्पून ओस्टर सॉस, दो टेबल स्पून टमाटर सॉस, 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून लाइट सोया सॉस, और जाएगा इसमें 1 टीस्पून बूस्टर सॉस, देख सकते हैं। और इसमें जाएगा 2 अंडे, जिसको इसको एकदम बांध कर रखेगा, लोफ बनाएगा। क्योंकि मीट लोफ है तो एक ब्रेड की तरह लोफ बन जाएगा। इस तरह से इसमें जाएगा 1/2 चम्मच, छोटा चम्मच वाइट पेपर, ये काली मिर्च की तरह ही होता है, वाइट पेपर पाउडर है ये। और इसमें चुटकी भर नमक, नमक आप टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे सॉस में नमक होती है, इसलिए नमक डालते टाइम ध्यान रखें। इस तरह से इसको मिला देना है। कम से कम आपने इसको 1 घंटे मैरिनेट करने रखना है। इस तरह से मिलाकर देखिए मैंने किस तरह से मिलाया है, 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट पर रखेंगे हम। और इसको साइड में रखकर हम इधर इसके लिए वेजीज तैयार करेंगे, जो मीट लोफ के साथ सर्व करेंगे। आलू का हम फ्रेंच फ्राई बनाएंगे, और गाजर और बीन्स लिया है मैंने इस पर। और आलू को देख सकते हैं मैंने गुनगुने पानी में नमक डाला है, जिससे आलू का जो स्टार्च होती है वो निकल जाएगा। हम आलू को काट कर इसमें डालेंगे फ्रेंच फ्राई को, जिससे जो आलू में जो स्टार्च होती है वो निकल जाएगा, जो आलू का पानी होती है। इसको कम से कम 10 मिनट के लिए हम नमक वाले पानी में रखेंगे, नमक ज़्यादा नहीं डालना है, फिर आपका आलू में नमक सोख लेगा। इस तरह से फ्रेंच फ्राई बनानी है, जो हम मीट लोफ के साथ सर्व करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने किस तरह से पानी में भिगो दिया है। अब इसको गाजर को भी लंबी लंबी काटनी है। इस तरह से पहले इसका बीज का डंठल निकाले, फिर उसके बाद इसको लंबी बीन्स की तरह ही पतली पतली लंबी लंबी करनी है, इस तरह से देखिए। और फिर इसको छोटे छोटे तिरछा काटनी है, जिससे दिखने में आपका सब्जी सुंदर दिखेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने तिरछा काट लिया। सारे आपने बीन्स को भी इसी तरह से काटना है, जिस तरह से गाजर काटा है। इसको साइड में रख दिए। देखिए ये भी बीन्स को भी इसी तरह से काटना है। इस तरह से सारे बीन्स को हम काट लेंगे और इसको सॉटे करेंगे। सॉटे करते समय इसमें नमक काली मिर्च डालना है। देखिए इस तरह से हमारा वेजीज भी तैयार हो गया है, जो हम मीट लोफ के साथ सर्व करेंगे। आलू भी आपका 10 मिनट हो गया है। अब इसको हम देखिए, हमारा 1 घंटे हो चुका है। अब हमने इसको मीट लोफ बनाने के लिए एक जार लिया है, जिसमें लोफ बनती है एल्युमिनियम का। इसमें हम तेल लगा लिया है, इस तरह से तेल लगाने हैं और इसको मिक्सर को इसमें डाल देने हैं। देखिए इस तरह से इसमें
आपने डाला है, अच्छे से सारे इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा हिलाएंगे, इसको हम बेक करेंगे कम से कम 40 मिनट के लिए। पहले से ओवन गर्म है मेरा, देखिए मैंने इसमें बेक करने रख दिया है, ये देखिए 40 मिनट के लिए रखा है मैंने 250 के टेम्परेचर पे। अब हम इधर साइड में वो बेक हो रहा है और हम एक साइड में वेजिस तैयार करेंगे, सॉटे करेंगे गाजर को। और साथ साथ आप देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉयल्ड भी अंडा बॉयल किया है जो हम मीट लोफ के ऊपर से गार्निश करेंगे। इसमें मैंने गाजर में नमक काली मिर्ची डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला सकते हैं। ये देखिए मैंने नमक मिला दिया इसमें, इस तरह से इसको पूरी तरह से नहीं पकाने, हल्की कच्ची पक्की सी सॉटे होती है जो, बहुत ज़्यादा पकाना गलानी नहीं है इसको। यह हमारा सब्जी हो गया, वो ऐड कर दिया, अब भी इसको इसी तरह से करेंगे। और इस साइड में हमने तेल गरम कर दिया है जो हम फ्रेंच फ्राई बनाएंगे, इस तरह से इसको बीन्स को सॉटे करेंगे। देखिए मैंने इस तरह से सॉटे कर दिया है और इसको ढकना नहीं है आपने, ढकेंगे तो ये जो इसका हरापन है वो निकल जाएगा, फिर तो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा सब्जी। इसमें भी नमक काली मिर्ची मिला दिया है और इस साइड हमने फ्रेंच फ्राई तैयार करनी है। फ्रेंच फ्राई तैयार करते हैं, आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ताकि आपका आलू तुरंत ब्राउन ना हो जाए, तो आँच का आप ध्यान रखें। देखिए इस तरह से बनानी है आपने। और हमारी दूसरी साइड मीट लोफ बेक हो रहा है और साथ साथ हम इस तरह वेजिस तैयार कर रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं है, आपने 5-7 मिनट ही करनी है। ये हमारा देखिए हो गया, वो मैंने उसको एक बाउल में रख लिया और हमारी ये फ्रेंच फ्राई भी लगभग तैयार हो चुका है। देखिए इसको भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और इसको हम इसमें डालकर नमक काली मिर्ची मिलाएंगे। ये देखिए नमक मिलाया मैंने, ये काली मिर्ची ताज़ा क्रश कर दिया और इसको थोड़ा टॉस करेंगे जिससे इसे अच्छा से नमक काली मिर्ची लग जाए। तो दोस्तों देखिए हमारा वेजिस तैयार हो गया है बिल्कुल, तीनों फ्रेंच फ्राई और गाजर और बीन्स इस तरह से आपने तैयार कर लेने एक साइड में। ये देखिए हमारा ये 40 मिनट ख़त्म हो चुका है और हमारा मीट लोफ भी तैयार हो चुका है, 40 मिनट पूरे हो चुका है। अगर आपका जो 40 मिनट में ऊपर से ब्राउन नहीं होता है तो आपने थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए ऊपर वाला ओवन को ऑन कर देना है जिससे ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए। इस तरह से देखिए तैयार हो गया है, इसको पहले हम इसमें पलटेंगे दूसरे प्लेट में, फिर उसके बाद फिर इसको सीधा करेंगे जिससे उसका ब्राउन कलर जो है ऊपर की तरफ आएगा। देखिए मैंने उल्टा कर दिया इसमें उसके जार से, अब फिर दूसरी प्लेट में जिसमें मैंने गार्निश डालनी है, गार्निश करनी है, उसमें इसको फिर से पलटना है। देखिए इस तरह से तो उसका ब्राउनपन जो है ऊपर की तरफ आ गया, इस तरफ से देखिए कितना सुंदर सा बना है, जितना दिखने में सुंदर है उतना टेस्टी भी होगा ये। देखिए अब इसमें हम साइडों में वेजिस को लगाएंगे, इसको आप गार्लिक ब्रेड के साथ खा सकते हो राउंड से। देखिए इस तरह से गाजर को और फ्रेंच फ्राई आलू और बीन्स को लगा दिया इस तरह से, दिखने में बहुत सुंदर दिखना चाहिए क्योंकि खाना जो है पहले
आँखों से देखा जाता है, उसके बाद फिर उसको नाक से सूंघा जाता है, फिर लास्ट में उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट मतलब लास्ट में, पहले आपने आँखों से देखने में सुंदर दिखना चाहिए। इस तरह से सजाइए, देखिए। अब उसको अंडे को जो है बॉयल अंडे को स्लाइस करके इसके ऊपर से गार्निश करनी है। देखिए इस तरह से गार्निश कर दिया मैंने अंडे की स्लाइस से। अब देखिए किस तरह से हमारा मीट लोफ रेडी हो चुका है। ये देखिए इस तरह से आप भी ज़रूर घर पर बनाइए, आसान से रेसिपी है। और देखिए किस तरह से सॉफ्ट भी है और टेस्टी भी। देखिए इस तरह से ये पीस कट रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है कि टूट रहा है कटने पर, ऐसे नहीं है, बिल्कुल ब्रेड की तरह लोफ बन गया और एकदम नरम से कट रही है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, रेसिपी